हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं मैजिक स्क्वायर भाग दो, जिसमें हम जादुई वर्ग को किस तरह से बना सकते हैं हमें, ताकि इनको याद ना करना पड़े। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और मुझे अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। दोस्तों, आपके सपोर्ट से मैं अभी तक बहुत कुछ कर पाया हूँ। आपका सपोर्ट इसी तरह से आगे मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैजिक स्क्वायर भाग दो। दोस्तों, मैजिक स्क्वायर मैंने भाग एक में आपको बताया था मैजिक स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो मैजिक स्क्वायर में फिर से एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। मैजिक स्क्वायर हमारा एक इस तरह का स्क्वायर है, जिसमें यहाँ पे आपको एक एग्जांपल 3x3 का मैजिक स्क्वायर बताता हूँ। ये मैंने एक 3x3 का स्क्वायर बनाया हुआ है। अब इसको मुझे मैजिक स्क्वायर बनाना है, तो मैजिक स्क्वायर कैसे बनेगा इसके लिए मुझे क्या करने हैं। इन खानों में 9 अंकों को इस प्रकार से लिखूंगा कि अगर हम उनका क्षैतिज जोड़ करें, यानी इस तरह से, इसे हम हॉरिजॉन्टल सम कह सकते हैं, या फिर हम ऊर्ध्वाधर सम करें इस तरह से, या फिर हम डायगोनल सम करें इस तरह से या इस तरह से, तो इन सभी सम की वैल्यू सेम आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ये हमारा, अगर इस तरह का हमारा कोई स्क्वायर है बनाते हैं तो वो हमारा मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मैजिक स्क्वायर। अब चलिए मैं आपको 3x3 का मैजिक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं उसको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए हम कोई से भी, कितने इसमें खाने हैं, 9 खाने हैं, तो हमें 9 नंबर लेने हैं, 9 संख्याएं लेनी हैं। लेकिन ये संख्याएं कैसी होंगी, बस यही हमको ध्यान रखना है। हमें ये संख्याएं इस तरीके से चुननी हैं कि उनके बीच का जो अंतर है वो समान है, समान होना चाहिए। चलिए मैं संख्या आपको एक एग्जाम्पल लेके बता लेता हूँ। मैं मान लिया मैं एक संख्या लेता हूँ 1, तो अब अगली संख्या जो मेरी होगी वो 3, 2 का अंतर है, तो फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 4, 5, 6, 7, 15, 17 और 19, सॉरी 17 तक आएंगी। ये देखिए कितनी संख्या हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई और 1 ये हो गई। तो हमारी, मैंने ये 9 संख्याएं इस तरह से ली। इन सभी संख्याओं का जो आपस में जो अंतर है, क्रमशः अंतर 1 से 3 का अंतर 2 का, फिर 3 से 5 का अंतर 2 का, तो इस तरह से हमने 2-2 के अंतर वाली ये 9 संख्याएं ली हुई हैं। अब हमें क्या करना है, इन 9 संख्याओं को इन खानों में भरना है। तो दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया इस तरह से। एक और मैं एग्जांपल पहले संख्याओं का बता देता हूँ, आप भी इस तरह से कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैं 2 से शुरू करता हूँ, 2 के बाद 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ठीक है दोस्तों, मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ और आपको अभी इनके मैजिक स्क्वायर बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कोई सी भी मैं और बड़ी संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 7 से स्टार्ट किया, अब मैं एक एक का अंतर रखता हूँ, 7,
आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। इस तरह से मैंने इनके ये संख्याएं ले ली। अब आप इनमें से किसी का भी मैजिक स्क्वायर, 3x3 का मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे बनाना है, इसी को आपको समझना है। दोस्तों जो ये मैंने चार संख्याएं शुरू की लिखी हैं और यहां पर चार संख्याएं इस तरह से लिखी हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर आप बस पैटर्न को ध्यान रखिए कि किस तरह से इसको अरेंज करना है। तो मुझे इन संख्याओं को डायगोनली लिखना है। अब डायगोनली कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों मैं डायगोनल यहां पे बना देता हूं, एक, दो, तीन, इस तरह से चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। ये मैंने जो तीन बिंदु आपको रख के दिखाए हैं, इस पे हमें संख्याओं को लिखना है। अब मैं कोई सी भी संख्या है, जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं तो देखिए दोस्तों दो, फिर चार, फिर छ, एक डायगोनल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दस, सॉरी आठ आएगा, आठ, फिर दस, बारह, चौदह, सोलह और अठारह। इस तरह से मैंने अपने मैजिक स्क्वायर में संख्याओं को लिख लिया। दोस्तों ये आठ है यहां पर, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, ये तो मैंने खानों से बाहर लिख ली है लेकिन मुझे तो खानों को भरना है। तो अब खानों को भरने के लिए देखिए क्या करना है दोस्तों, हमें इनकी अदला बदली कर देनी है। अट्ठारह इस वाले में, दो इधर, चौदह इधर, छ इधर, बस दोस्तों यही करना है। इसको मैं थोड़ा सा देखिए आपको समझा देता हूं किस तरह से। चौदह को मुझे इधर लेके जाना है, ये चौदह हो गया मेरा। छह को मैं इस खाने में लेके आऊंगा, ठीक है। अठारह को मुझे इस वाले खाने में लेके आना है और दो को मुझे इस वाले खाने में लेके आना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा मैजिक स्क्वायर बनके तैयार है। देखिए दोस्तों इससे मैजिक स्क्वायर में, ये मेरा मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। आप भी इसको जो मैंने संख्याएं लिखी हैं या आप अपने मन से संख्याएं लिखिए, बस मैंने क्या बताया इनका अंतर जो है वो समान होना चाहिए। इस तरह से कोई भी संख्या लिख सकते हैं और आप अपना मैजिक स्क्वायर जादुई वर्ग बनाकर दिखा सकते हैं। चौदह यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये बारह हो गया, यहाँ पर मेरा अठारह आ गया, ये दस हो गया, यहाँ पर दो हो गया, आठ, और यहाँ पर छः, और ये सोलह। अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए, जो मैंने बताया था छह तेज ऊर्ध्वाधर और डायगोनल जो सम होगा वो एक समान आएगा। देखिए चौदह में चार जोड़ता हूं अठारह, अठारह में अठारह और दो बीस, और बीस और दस तीस, तो इनका जो मैजिक सम आएगा वो हमारा तीस है। ये मैंने इस तरह से सम किया। अब मैं इस तरह से सम करके दिखाता हूं, दो दो चार, और चार और छ दस, एक हासिल, एक और एक दो, और हासिल तीन। ये इस तरह से सम हो गया। अब मैं इस तरह से सम करके दिखा देता हूं, चार और दस चौदह, चौदह और सोलह तीस, ये मेरा सम इस तरह से तीस आ गया। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में करके देख लीजिए, आपका हर तरफ से जो सम आएगा वो तीस आएगा। ये तो दोस्तों हो गया 3x3 का मैजिक स्क्वायर। आप इसको इस वाले एग्जाम्पल के लिए बनाइए, पहले वाले के लिए, तीसरे वाले एग्जाम्पल के लिए बनाइए, या आप भी कोई भी संख्या लीजिए और उसके हिसाब से बनाइए। अब मैं आपको 3x3 का मैजिक स्क्वायर, वो सॉरी 3x3 का तो ये मैजिक स्क्वायर मेरा हो गया। अब मैं आपको 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाना बता रहा हूं कि 4x4 का मैजिक स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने 4x4 का एक मैजिक स्क्वायर ये बना रखा है, 4x4 का स्क्वायर है। अब मुझे इसको भरना है, तो इसमें भी हम संख्याएं उसी हिसाब से लेंगे जिनका अंतर हमारा समान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं संख्या इसमें एक से शुरू कर सकता हूं, तीन से शुरू कर सकता हूं, फिर दो का अंतर ले लेता हूं या एक का अंतर ले लेता हूं, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, इस तरह से मैं संख्याएं ले लूंगा। एक एक का अंतर मुझे रखना है। बस क्या करना है मुझे संख्याओं को अब उसमें भरना है। देखिए दोस्तों भरने का तरीका, आप बढ़ते जाइए, तीन, चार, अगली संख्या पांच, छह, यहां पे खत्म हुआ, उसके बाद आगे वाली संख्या सात, आठ, नौ,
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। ये तो मैंने संख्याओं को भर लिया। अब अभी अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो आप जोड़ देखेंगे कि हमारा मैजिक सम इस तरफ से जो सम आएगा वो ऐसे सम आएगा, वो समान नहीं होगा। मुझे इसी को बराबर करना है। तो अब क्या करना है, इस तरह से सबसे पहले तो आप संख्याओं को लिख लेंगे, आठ, फिर आठ के बाद नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। ये हमारी संख्या जो हमने यहाँ पे लिखी वो मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखी होती। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने वहां पर एक ट्रिक लगाई थी उसी तरह से हमें यहाँ पर एक ट्रिक लगानी है। इस 18 को हमें जो कॉर्नर पर दी है इनको आपस में बदल देना है। 18 को तीन की जगह तीन को इधर, 15 को इधर। तो पहले सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरा 18 आ जाएगा और यहाँ पर मेरा तीन आ जाएगा, ठीक है। ये 6 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 15 पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक काम तो मैंने ये किया, कोनों के जो हमारे संख्याएं थी उनको आपस में बदल दिया, ठीक है, डायगोनली बदलना इसको हमने कहा। इसी तरह से 8 को 13 से बदल देंगे और 12 को 9 से। तो 8 जहां था वहां हमारा 13 हो जाएगा, तो मैं 8 की जगह पे 13 लिख देता हूं और 13 की जगह पे 8, 12 की जगह 9 और 9 की जगह 12। बाकी जो संख्याएं लिखी हुई थी आपको एज इट इज उनको लिख देना है, यहां पर 4, यहां पर 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17। हमारा मैजिक स्क्वायर 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। आप इसको चेक कर लीजिए, देखिए जो दोस्तों मैं जोड़ करके दिखाता हूं। 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 और 24 में 18 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 24 और 18 मिलके हो जाएगा हमारा 42, ठीक है दोस्तों। 8, 4, 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 की 2 हासिल, 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है दोस्तों। अब मैं ऊर्ध्वाधर करके दिखा देता हूं, 15 और 10 25, 25, 25 और 4 29, 29, 25 और 4 29, 29 और 10 29 और 10 39, 40, 41, 42, ये भी हमारा 42 आ गया। डायगोनल सम करके देख लेते हैं ये कितना आता है, 18 और 13 हो गया हमारा 31, 31 और 8 हो गया 39, 39 और 3 हो गया हमारा 42। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। आप इसको भी करके देखिए, ये भी हमारा 42 आएगा। इस इधर भी देखेंगे तो ये भी 42 आएगा, इस तरह से जोड़ेंगे तो ये भी 42 आएगा, इधर जोड़ेंगे तो ये भी 42 आएगा, इधर जोड़ेंगे तो भी 42 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये बराबर का निशान है, ठीक है, आप इसे कंफ्यूज मत होना, ये बराबर बनाए हैं। आप इस तरह से जोड़ेंगे तब भी 42 आएगा। अच्छा, एक चीज और, हम इन कॉर्नर की संख्याओं को जोड़ के देख लें, क्या ये भी हमारा 42 आ रहा है। 18 और 6 24, ठीक है, 24 और 30, 24 और 3 27, 27 और 15 होता है हमारा 42। तो ये कॉर्नर की जो संख्याएं लिखी हैं इनका भी सम हमारा 42 होगा। ये अंदर वाले इनको अगर मैं जोड़ूं क्या इनका सम भी 42 होगा। 13 और 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 और 22 ये भी हमारा 42। तो इनका भी सम हमारा कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। कॉर्नर के अंकों को जोड़ा तो इनका भी सम 42, अंदर के 4 इनको जोड़ा तो इनका भी 42। अच्छा, एक और चीज, क्या इनका सम 42 आ रहा है। 18 और 4 22 और 13 और 7 20, 20 में 22 जोड़ेंगे तो ये भी 42 आएगा। यानी अगर हम इन 4 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 42 आएगा, इसको जोड़ा तो भी 42, इन कॉर्नर को जोड़ूंगा तो इनका भी सम 42 आएगा, इधर जोड़ूंगा इन 4 को तो इनका भी सम 42 आएगा, इधर जोड़ूंगा इन 4 को तो इनका भी सम 42 आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैजिक स्क्वायर कितना रोचक है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कि हमें ऐसी संख्याएं मिल रही हैं कि इनको इस तरह से जोड़ते हैं तो भी 42 आ रहा है, ऐसे जोड़ेंगे तो 42 आ रहा है, इस तरह से जोड़ा तो भी 42 आ रहा है। तो अगर हम ये दोस्तों अपने बच्चों को दिखाएंगे, हम टीचर हैं अगर, तो
तो हम अपने अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम दिखाएंगे तो इससे उन बच्चों में गणित के प्रति एक इंटरेस्ट जागेगा, एक जिज्ञासा, गणित से जो उनका डर रहता है उसका डर दूर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से अपने भी 4x4, 3x3 और मेरे फर्स्ट पार्ट जो पहला वीडियो था इसका मैजिक स्क्वायर का, उसमें मैंने 3x3, 7x7, 5x5 के मैजिक स्क्वायर बनाना बताए थे, आप वहां से उनको सीख सकते हैं और यहां से इनको सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।